पास भी आईफोन होता, मेरे पास भी एक गर्लफ्रेंड होती। क्या हुआ तुझे? रोमियो कुछ नहीं, बस थोड़ा सा पेन हो रहा है पेट में। पेट में दर्द? मैंने तुझे कहा था ना इमली मत खा, और वैसे भी लड़के इमली नहीं खाते। मैंने तो नहीं खाई इमली। और वैसे भी कहते हैं इमली खाने से लड़की बन जाते हैं। हाँ, और अगर ऐसी बात होती तो मैं अब तक लड़की बन भी चुका होता। अच्छा सुन रोमियो, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों, फाइनली तुझे किसी लड़की ने मुंह लगा लिया? हंसना था इस पे। अब हंसना इस पे जैसे हंसता इस तरह। यार आज मैं बहुत खुश हूँ, मैंने आईफोन 14 प्रो मैक्स लिया है। नहीं यार, नया वाला आईफोन आ गया है। उसमें कैमरे अंदर ही हैं, और एक बात, मैंने उसे ऑर्डर भी कर दिया है, आज शाम आ जाएगा। नहीं यार, नया वाला आईफोन मुझे भी दिखाएगा, लेकिन यार उसमें ना खामियां बहुत ज़्यादा हैं। अब देख, उसमें तो कैमरे ही अंदर डाल दिए उन्होंने, और लोग तो उसको मांगने के लिए पता नहीं क्या कुछ भेज देते हैं, घर की जायदाद। इंडिया और पाकिस्तान में तो लोग किडनीज तक भेज देते हैं। किडनी? बस थोड़ा सा पेन हो रहा है पेट में। चिंटू, तेरे पास ये फोन कैसे आया? वो मुझे ईद पे ईदी मिली थी, याद नहीं है तुझे? तुझे और मुझे अच्छी तरह पता है कि एक दफा अम्मी अगर ईदी ले लें तो वापस तो करती नहीं है। तेरे पास ये पैसे आए किस तरह? वो पैसे कहाँ से आए तेरे पास? तूने किडनी बेची है ना, शर्ट ऊपर कर दिया। मैं नहीं कर रहा। चिंटू, तूने अपनी किडनी बेच दी? हाँ बेच दी यार, तो क्या हो गया है? मर गए तो मर गए, एक दिन तो सबको मरना है, लेकिन ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जिसमें आपके पास आईफोन 14 प्रो मैक्स ही ना हो। वो कहते हैं ना, मौत को किससे रुस्तगारी है, आज वो तो कल हमारी बारी है। मैंने सोचा इसके मुताबिक कल ही ना मर जाऊं, आज आईफोन तो ले लूं। बस तेरी जैसी वाम होती है जिनकी वजह से माड़ा मुल्क तरक्की नहीं करता। और तुझे पता है, मैंने सुना है जिसके पास आईफोन होता है ना, उसके पास गर्लफ्रेंड भी होती है। नहीं ऐसा तो नहीं है। तूने कभी नोटिस किया है कभी हम दोनों के पास कोई गर्लफ्रेंड आई है? नहीं ना। सोचो रोमियो, देयर इज अ कनेक्शन, आईफोन होगा तो गर्लफ्रेंड भी होगी, हमारे पास पावर भी होगी, और सारे दोस्त जब पिक्चर्स बनवाने आएंगे तो हम 100 रुपीस रख देंगे एक पिक्चर का, और सबसे एक एक 100 रुपी लेंगे और सबको एक एक पिक्चर बना के दे देंगे। फिर इस तरह हम एक दिन करोड़पति होंगे, दुनिया हमारे कदमों में होगी, हम जो चाहेंगे करेंगे। मैं तो कहता हूँ रोमियो, एक तू भी ले ले। कैसे ले लूँ यार, पूरी जिंदगी भी अगर पैसे जमा करूँ ना, फिर भी 14 प्रो नहीं ले सकता मैं। अगर मैं अपने अब्बा के पास पैसे मांगने भी जाऊँ ना, तो मुझे सबसे पहले 2 लाते मिलेंगी, फिर एक छोटा सा लेक्चर मिलेगा, और वही 1990 वाली स्टोरी सुनाएंगे कि बेटा
पैसे दरख्तों पे नहीं उगते। क्या क्या कह रहे थे? नहीं नहीं कुछ नहीं। अंकल ऐसी की तैसी।